वॉचिंग माई वीडियो. माई नेम इज़ घनश्याम. से टूडे वी रीड्स ए न्यू टॉपिक्स न्यू ह्यूज बिकॉज वी रीड डेली ए न्यू ह्यूज. तो आज का हम लोग का नया यूज क्या है? आज का हम लोग का नया यूज है एज सून एज. एज सून एज का मतलब होता है जो ही. और हम कभी कभी देखते हैं यानी जो ही त्यों ही. तो जो ही की इंग्लिश एज सून एज होता है, त्यों ही की इंग्लिश कुछ नहीं लिखी जाती, वहाँ पर हम कामा देते हैं. और एज सून एज को हम नो सूनर भी कहते हैं, यानी नो सूनर का हिंदी भी जो ही होता है और एज सून एज का भी हिंदी जो ही होता है, यानी जल्दी से, जैसे ही, जो ही के लिए लगाते हैं. तो चले हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कैसा है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में. तो पहले देखते हैं, यानी यहाँ पे कह रहा है कि एज सून एज, फिर प्लस, फिर सेंटेंस. यानी एज सून एज पहले होगा, फिर इधर सेंटेंस होगा, और ये करीब करीब दो दो सेंटेंस में होगा, यानी कि दो भागों में बटा होगा. यहाँ देखिए दो सेंटेंस हमने ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिए हैं, तभी लाइट चली गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन लाइट अभी आई तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. तो बता दे रहे हैं पूरे स्टार्ट से कैसे हमने ये दो सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया है. तो देखते हैं पहला क्या है कि जो ही वह पुलिस को देखता है ना, भाग जाता है. यानी ये दो वाक्य, यानी ये देखो भाग जाता है, यानी कौन भाग जाता है, यानी ये व्यक्ति यहाँ पर है, लेकिन हम दोबारा इसको नहीं दिखाए हैं. यानी इसका मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो ही वह पुलिस को देखता है त्यों ही वो भाग जाता है. यानी इसका ऐसे होगा, लेकिन हम लोग शॉर्टकट हिंदी में बोल देते हैं. तो यहाँ पे उसकी क्या लिख रहे, कह रहे कि एज सून एज, यानी जो ही सी, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ एस लगा है. ही द पुलिस, जो ही वो पुलिस को देखता है, ही रन्स अवे, यानी वो भाग जाता है. रन्स अवे, भाग जाता है. फिर दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, जो ही घंटी बजी, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो ही घंटी बजी सभी लड़के अपनी कक्षा में चले गए. यानी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि अपने अपने क्लास में चले गए. इसको हम कह सकते हैं दो बार अपनी, यानी चलो देखते हैं उसको क्या होगा. तो कह रहा है कि एज सून एज द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, जो ही घंटी बजी, ऑल द बॉयज, यानी सभी लड़के, वेंट माने चले गए, इनटू यहाँ यानी कहाँ, कक्षा यानी क्लास, यानी वो रूम में जा रहे और गति करके जा रहे. तो यहाँ प्रीपोजिशन इनटू लगा. फिर दियर, क्यों, अपने यानी एक से ज़्यादा है, तो इसको अपने के लिए, अपने क्लासेस यानी अलग अलग क्लासेस है, इसलिए वो लोग अपने क्लासेस में चले गए. अब यहाँ तीसरा सेंटेंस है, ये कह रहा है जो ही हम लोग आवाज़ सुने, देखो त्यों ही वहाँ गए, त्यों ही हम लोग वहाँ गए, यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा. तो चले इसको ट्रांसलेट करते हैं. ये कह रहा है एज सून एज वी हियर्ड द नॉइज, नॉइज इसका मतलब एज सून एज वी हियर द नॉइज, जैसे ही हमने आवाज़ सुना तैसे ही या त्यों ही हम लोग वहाँ गए. तो यहाँ क्या कह रहा है, वी वेंट देयर, वी वेंट देयर, तैसे ही वहाँ गए. जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई. तो यहाँ क्या हो जाएगा, as soon as I reached at the station, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई. तो क्या कह रहा है, the train is started भी
स्टार्टेड भी हम कह सकते हैं या वेंट पास्ट में कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के यही सही है। फिर क्या कह रहा है, जो ही हम लोग स्कूल पहुँचे त्यों ही घंटी बज गई। As soon as we reached at school, the bell rang। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा है, द ये रहेगा कि नहीं ये आपको कमेंट करना है। तो आई थिंक्स आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पर आज 5 sentence बनाएं और as soon as का प्रयोग करना सीखें। अपने बोलचाल में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बोलचाल में ज़्यादा यूज होता है। आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिएगा। आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। चैनल से जुड़े रहेंगे तो जब मैं भी अपना वीडियो अपलोड करूँगा YouTube पे, तो आपको फर्स्ट ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप भी इस तरह से अच्छे अच्छे नए नए यूज को आप भी देख सकेंगे, सीख सकेंगे और समझ सकेंगे और अपने बोलचाल की भाषा में से प्रयोग कर सकेंगे। तो ये अच्छा है हम लोग के लिए। रोज़ इसी तरह से हम लोग पढ़ते सीखते हम लोग इसी तरह से चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching my video.